पुत्र पक्या हाले पकते पे। अच्छा ठीक है, आराम चलो डिगे ना कद। ओ दौड़ नहीं लानी, दौड़ना नहीं। आओ रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ामा में रखे, खुश रहें, बाद रहे, दिली हजात को अल्लाह ताला आपकी पूरी फरमाता रहे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है बाहर, तो कुछ बाहर के व्यू चेक करते हैं जाकर, और कुछ काम कुम हैं वो भी करने हैं। कुछ पैगाम मिल रहे थे, वो पैगाम पूरे करने हैं जी उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाई हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होगी। अल्लाह शुक्र मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो क्या रहे थे, कुछ चीज़ें लेने के लिए क्या थी? आटा लेके आयो, आटा नहीं है घर। अच्छा। और नमक मिर्चा हल्दी वगैरह चीज़ें खत्म हुई हैं और लेके आज भी दवाई लेने गए थे, कल भी गए थे, आज भी गए थे दवाई लेने के लिए। कल तो डॉक्टर नहीं मिला, आज मिला डॉक्टर, तो लेके आई है दवाई। तो अभी मैं इंतजार कर रहा था, मैं भी चलता हूँ। तो क्या डॉक्टर ने क्या आया? डॉक्टर ने आई गया तेरे मेदे च जख्म है। अच्छा। दवाई खांदे रहना है या कि नरम चीज खानी है, रोटी वगैरह नहीं खानी। अच्छा। काम कौन लेके लिया, सब्जी के लिए नहीं है? मैं वो जेली सब्जी तुसी खानी है, मैं ते खानी नहीं, मनु ते मना की थी लून मिर्च वाली चीज। अच्छा। तुसी जेली हां जी पका खानी हो ले, तो मैं गाना है खिचड़ी कुछ पका अपने से, खिचड़ी हो गई चावलों की। चलो वही पका लेनी है नरम जी करके, नाल फिर दही पुदीने वगैरह रायता बना लेना। आओ मैं ले आना, तेरे को पुदीना है प्यारा है या लेना पड़ा? पुदीना है का पेवा। चलो तो तेरे को दही ले आ गया, देख ले आना। हां जी दही ले आ दो, फिर रात बना लेने। चलो खिचड़ी बना लेने। हां ठहर एक मिनट, चीज देख दे हंदी साडे वास्ते खा के जाओ। हां देख ले आ गए। ओ हरम हरम ही वो मांग रही है, वो देखो अपनी जान दी। हाँ जी देनी है बच्चों को, देनी बच्चों को भी दे देने, खा के जाओ कुछ नहीं होगा, फिर ले के वो चीज लेंगे। चलो ठीक है, दे हरम ने दे, वो हरम देख ना पहले मंगना पी, और दूध पी लो पहले, दूध पी लो हरम। आप भी दूध पी दी है हरम? ओ कम आ गया फ्रांक। फ्रांक कैसी है, खट्टी मीठी है? मीठी है। अच्छा खट्टी नहीं है? खट्टी है, बोलो खट्टी है। नहीं मीठी है, मीठी है। ठीक है शाबाश शाबाश। ये लुका स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी है कैसी तुसी, कैसी तुसी बनी है? खा लो। नहीं मैं खा ली, जी नहीं खा लो, बच्चे ने थोड़ी खानी है और ज्यादा खानी। मैं खा ली, तन्नो जरूरत है तू खा। नहीं तुसी भी खाओ, मन्नो जरूरत है तो तू ही बना ली खाओ। तन्नो ऐसे तेज पखा रे में डरदा चंदा के उठ गए, जब तेज पखा चलाऊंगा तो तू वैसे हवा देना बच्चे। बड़ी गल है ताड़ी, तू ही हवा ना मेनू सुटण आले हो के हवा ना ही डाके सुट चलो। मम्मी जी ओ तेरा हिसाब है, मैं वो कपड़ा उड़ना जे मैं उस तू उड़ना जिना कितना पसंद है। मैं मेनू डाहना हरम नंदा पटोलो नु, ओ वेलो ओ खांदी कोई नहीं, ते ओ आऊं करदी जे हले किन्नी खानी। पर ठीक है मैं जावा, मैं बाजार बाजारों लगे आऊं सौदा खा के ना, ते फिर जाओ। बाय से मैं दुकान से ले गया हूं चावल, चावल लेके दूं घर वालों को। दुकान है वो गली में। फरहान और हम लेने जा रहे हैं चावल और दाल जो पकानी है, तो वो लेके आते हैं दुकान से। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी जनाब दें भाई, की हाल है? ठीक ठाक जी। की लेना, क्या लेना है? हाँ टापी बबर लो जी भाई जी, हाँ जी टापी बबर नाले ना सानू को ठीक है। अल्लाह शुक्र है, क्या सब ठीक ठाक? बच्चे बच्चे राजी ना? बस अल्लाह शुक्र, अल्लाह ही करम कर दे। हम बस लॉकडाउन लग गए, स्कूलों में छुट्टियां होसा हो जाए। हां 10 दिन स्कूल ना भाई, तो हफ्ता तो आ वैसे अड्डा बंद है। हां वो भी बंद है, परेशानी बन गई कारोबार वाले वास्ते, बेचारे वास्ते बड़े 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 वास्ते बड़े प्रॉब्लम बन गई। दे दो जी चावल कोई आधा किलो, तीन पाव आधा किलो दे दो, ते नाल दे दो दाल, चने की दाल थोड़ी दे देना, वो खिचड़ी बनानी है। मेरे पिंड की दुकान है, बचपन के दोस्त हैं मेरे, छोटे हैं जरा उम्र छोटे है, तो माशाल्लाह दुकान नई बनाई है अभी। चावल तो दाल वेखो किन्नी क, दाल किन्नी लेनी है? बहुत है, बहुत है, चावल जी पानी है।
ਆ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦਹੀਂ ਹੁਣ ਮੰਗਾ ਲਿਓ ਜਾਮੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਇਓ ਚਲੋ ਨੂਰ ਕੋ ਕੀ ਤਰੋ ਇਹ ਦੇਖੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਡੰਗਰ ਆ ਕੁੱਤਾ ये गांव का माहौल है जी बहुत कितना प्यारा माहौल उधर मौसम भी बना हुआ है प्यारा बहुत खूबसूरत अच्छा माहौल लगता है ये निकले हम बाहर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है हवा नेरी बादल तो अभी रात के हुए हैं बारिश हल्की हल्की हुई है बस और ये है जी व्यू बाहर का और ये ये पीछे पीछे आ गए सैर करने के लिए और मौसम ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा जाओगे उधर जाना तुम तो मैं दही लेना आटा लेना जाना मेरे ना मैं कहना जाओ वापसी घर दूर आ गया जल्दी जाने चलो ठीक है मैं तो जाना है आज बहुत ज़्यादा अंधेरी है तो बहुत अच्छा व्यू खूबसूरत व्यू बना हुआ है ये देख बहुत जमना आ रहा है भागता हुआ आ जाओ ना जमना आ जाओ तेरी पुत्र दौड़ बड़ी है मैंने पता है तेरी बड़ी दौड़ है कमाल की अच्छी दौड़ है चलो आ रहे हैं शहर की तरफ और वहाँ से आटा लेते हैं बच्चों को बाजार पैरियों में घुमाने लेके आया था तो आटा लेके आता है दही वगैरह बाजार से तो चलते हैं बाजार की तरफ आ गए हैं तो बाजार में जो है ना वो दुकानें बंद है कुछ इतवार है कुछ कोरोना की छुट्टी लॉकडाउन हो गया जिसकी वजह से ये दुकानें आधी खुली आधी बंद है तो शायद वो सामने आटे वाली दुकान है वो भी बंद है समझ दुकान है बंद नहीं होती है आटे वाली भी बंद है दुकान खुली मिली है तो वो भी कह रहा है कि आटे की छुट्टी है सुबह मिलेगा सुबह आटा मिलेगा छुट्टी है इतवार भी है और कोरोना की वजह से छुट्टी भी है दही वाली दुकान पर अस्सलाम वालेकुम भाई दही दे दो हमको आधा किलो मैं बड़ा सोना जमा है माशाल्लाह क्या बात है यार बेचना शाम को कोई ऑर्डर है कोई लो जी हमारा हो गया दही अलग दही भाई दही भी सुन चलो चलिए फिर चलो हे आटा का पता मिलेगा नहीं आटा की दुकान बंद है ना आटा समझ वो कहता है चलो भा खा ले रत्ता की बनाना है हाँ हाँ भुख लगी कितने शुरू काम कि नहीं चौल बना रहे हो ते वो नु पाग दे शाम नु चौलों दे पाग खान दा रहता चलो पकाओ फिर चौल ते अभी भुख मैनु भी बड़ी लगी है चल ठीक है फर्क होना ते पूतना ठीक है सुक्या ते नहीं ठीक है फ्रिज तो बगैर तो माए काम सुक जांदा है मौसम ठंडा रहा ना कल दा तेरा तेरा वो ग्रैंड करना है कितने कुंडी डंडा कितने ये मैं कर छा पूतना पूतना मैं कर छा हां तो भी नहीं पूरा हुंदा किलो ले आके आए पैकेट चलो कोई नहीं खा लिए अरे इस बोल मौसम आज ठंडा ही हो गया ज्यादा मैं टोपी पहन नहीं कोई काफी हां सर्दी लगदी है हां सर्दी लगदी है बहुत ज्यादा हां बारिश हुई है मैं कई शहर में बारिश हुई है मौसम राती बारिश हुई है हल्की जी दिन सारा दिन सारा दिन से गुजर गया राती ऐसे पूतना पूतने रत्ता चटनी बहुत अच्छी होंगी है मेरे ऐसे
ले चटनी पूतना हो गया हमारा तैयार, पूतने की चटनी, तो इसका रायता बनाएंगे। ओ जी कमैला की लाया दस कुड़ी बनी है कमैल साड़ी। ओ हाय हाँ हाय गहरा जी कमैले का लगा लिया देखो। चलो अभी बार मेरा आज का ये ब्लॉग था, मेरे ब्लॉग को पसंद करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, और नए जो बहन भाई आते हैं वो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।